चलना फिरना बैठना उठना बातचीत करना और सामान हर चीज का इंसान का बयान सुना इंसान को सम्मानित कराया, इज्जत दिया गया और पुराने करीब में रब करीब इशारा होता है वह नकद करना अपना कभी आप वे इंसान को इतनी मर्यादा दिया है कि दुनिया में किसी मखलूक के लिए मर्यादा दिया, इतना खूबसूरत बनाया है दुनिया में किसी मखलूक में इतनी खूबसूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम और करम से मदद से अच्छा खूबसूरत दिल जबान इतना खूबसूरत हाथ इतना खूबसूरत बॉडी इतना खूबसूरत हमारे सब कुछ है लेकिन उस मौला के साथ किया है। मौला ने हमको दिया किस लिए अल्लाह तुमको भी इतना खूबसूरत बनाया इतना खुशियाँ और सुकून का जिंदगी दे रहा है लेकिन 24 घंटा तक तुम दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ कर लो कोई फर्क नहीं कोई परवाह नहीं लेकिन सिर्फ 10 मिनट करके निकाल के 5 टाइम के 5 वक्त की नमाज अदा करो उसके अंदर जो भक्ति हो जाता है जो गुनाह होता है मैं उसकी वजह से वह 5 वक्त नमाज की वजह से मैं सबको माफ कर दूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को मौका तलाश किया कुछ भी मिल जाए तो अल्लाह ताला इंसान को फसल में लग जाए फरिश्ता को ऐसे बोलते हैं रुको क्या मेरे अल्लाह क्या काम किया तो फरिश्ता बोलते हैं अल्लाह ताला तुम्हारा बंदा ये जल्दी कर दी कुछ बुरा का काम कर दिया रब करीम ने फरमाया चलो कुछ टाइम देख लो मेरा बंदा कुछ टाइम का अंदर में कोई सवाब सवाब का काम कर लेगा तो माफ कर देगा। अल्लाह ताला ने हमको इतनी बाबरकत जिंदगी दे दी आज देखिए हमारा हर टीवी में देखिए मीडिया में देखिए हर चैनल में देखिए आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला का बहुत मुसीबत है बहुत मुसीबत आ रहा है बहुत जरूरत है बहुत तकलीफ में है हर जगह तो कुछ कुछ आदमी बनता है वो वही लोग कैसा कर रहे हैं वही लोग वही वजह से हमारा ऊपर जुलूम कर रहे हैं वह बढ़ रहे हैं कुछ नहीं जो कुछ हो रहा है हमारा आज मौला से विदा नहीं है मौला से सम्मान नहीं है नमाज की पाबंदी नहीं है कि थोड़ा पैसा वाला हो जाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है थोड़ा एजुकेशन हो जाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है थोड़ा दौलत हो जाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है बेपरवाह चलने लग जाता है। इसलिए भाइयों बुजुर्गों अल्लाह नबी ने फरमाया जब अंदर पिछले साल में पिछले जिंदगी में जो किया था वह चलने का टाइम याद करेगा वह बंदा सबसे अच्छा जिंदगी वाला हो सबसे अच्छा बंदा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी की जमाना में वो गवर्नर था पृथ्वी का गवर्नर था तो एक पहाड़ की तरफ जा रहे हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रोने लग गए रोने लग गए सहाबा इकराम ने फरमाया अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हम तो बहुत आराम से आ रहे हैं हमारे साथ बातचीत करके जा रहे हैं आप भी बहुत मार देते आप क्यों रो रहे हैं तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया देखिए क्या बड़ा बात है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया भाइयों मैं एक दिन वही मार का बुद्धि का आता था आज अल्लाह ने मेरे इतना इज्जत दिया था मैं वो पकड़ था सुभान तो जो आदमी पीछे का भाग याद करता है वो आदमी हर हमेशा बड़ा होता है और सामने चलने में बहुत आराम हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं मैं सोचता हूँ मेरा आप गुजारिश है आपका पास नमाज की पाबंदी करना कुरबानी में टाइम है तो पढ़ लेना चाहिए तो रोम जाके कजा भी करो बस कजा भी आता है नमाज बहुत बड़ा हथियार है नमाज बहुत बड़ा चीज है इंसान के लिए ईमान वाले के लिए नमाज बहुत बड़ा चीज है सहाबा इकराम जिहाद का मैदान में जा रहे हैं अब
अभी जाने का टाइम उसका आइए और जब उड़े हैं सवारे हैं जमीन जमीन से गिर गए ये तो बोले सुबह ऐसा हम पढ़ रहे ठीक है मैं वो क्या कर रहे हैं देखो होगा जल्दी से जल्दी उसको पता के पूरा का आवाज पड़ता है पढ़े या अल्लाह मैं सवारी तो मर चुका है तेजी से जहाँ से शुरू होगा अल्लाह ने वह नजर कीमती एक चीज है इसलिए मेरे भाई और हमेशा सलाम का जरूरत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अस्सलामु क़ब्ल अल कलाम तो बातचीत करने का पहले कोई ईमान वाला को देखा है तो सलाम करो सलाम करना सुन्नत है तो सलाम जब जवाब देना वाजिब इसके सलाम में बहुत महत्व आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा 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 बच्चा का सलाम कर रास्ता में सलाम कर अल्लाह रसूल ने कभी पहले सलाम नहीं किया था अल्लाह रसूल पहले सलाम इसने हमारे साथ और एक कुछ छोटा छोटा अमल करना जरूरी है जिंदगी संपूर्ण आपका अमल शांति आता है हर काम के लिए अल्लाह ताला के दरबार से खाना मंगूंगा अल्लाह ताला हमको गुनाह से बचा ले और तुम्हारा हुक्म और तुम्हारे नबी की तरीका में नबी का तरीका के ऊपर चलने का तौफीक अता फरमाए सबको बड़ी आमीन अल्लाह पाक जान को